राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा सचिवालय को निर्देश दिया है कि वो सदन की आचार समिति की प्रक्रियाओं और कार्यप्रणाली के बारे में जनता के बीच जागरूकता को बढ़ावा दें, जिससे समिति के कामकाज को और प्रभावी बनाया जा सके। आचार समिति सदस्यों के आचरण और उनके खिलाफ शिकायतों की जाँच करता है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने पिछले हफ्ते सदन की एथिक्स कमेटी के कामकाज की समीक्षा की थी। इस दौरान उन्होंने पाया कि पिछले चार साल में राज्यसभा के 19 सदस्यों के खिलाफ 22 शिकायतें बिना जांच के लौटाई गईं। शिकायतों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। इन 19 सदस्यों में सत्तादल और विपक्ष के अलावा दो निर्दलीय सांसदों के खिलाफ शिकायत की गई थी। इन 22 शिकायतों में से 13 शिकायतों को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने राज्यसभा सचिवालय के पास भेजा था। राज्यसभा की कार्य नियमावली के नियम 295 के मुताबिक कोई भी व्यक्ति किसी सांसद के गलत आचरण के खिलाफ एथिक्स कमेटी या कमेटी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को लिखित रूप से शिकायत कर सकता है। साथ ही समिति ऐसे मामलों का खुद संज्ञान ले सकती है। नियम 296 कहता है कि अगर शिकायत सही प्रारूप में है तो आचार समिति उसकी प्रारंभिक जाँच शुरू कर सकती है। नियम 303 के मुताबिक राज्यसभा के सभापति के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी सदस्य के अनैतिक आचरण और दुर्व्यवहार के मामलों को पड़ताल के लिए भेज सकते हैं। राज्यसभा की आचार समिति का गठन 1997 में किया गया था। ये सदस्यों के आचरण नैतिक आचरण की देखरेख के लिए आंतरिक नियामक तंत्र के तौर पर बनाई गई थी। 1998 में अपनी पहली रिपोर्ट में समिति ने सदस्यों के आचरण के लिए 14 सूत्री कोड बनाया था, जिसमें संसद के सम्मान और विश्वसनीयता के प्रति सदस्यों के आचरण शामिल हैं। एथिक्स कमेटी अब तक 10 रिपोर्ट सौंप चुकी है। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।